नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मुंजाल शोवा लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। देखिए, एक छोटी कंपनी है लेकिन एक्शन बड़ा हो रहा है इस स्टॉक में। इस कंपनी की बात की जाए तो 550 करोड़ का मार्केट कैप है और इस स्टॉक के पीछे बात करने का रीजन ये है कि आप सभी के साथ लगभग 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो शूट करी थी। उस दिन इस स्टॉक में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया था और बड़ी खबर भी आई थी। जब मैंने इस स्टॉक को 110 रुपए पे आप सभी के साथ शेयर करा था कि टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये 150 रुपए तक जाने की तैयारी में। आज कंपनी के नंबर्स आए हैं, पहले मैं आपको नंबर्स बताना चाहूंगा, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जब इस तरीके की वीडियो बनती है कि भाई क्या हम अभी खरीद सकते हैं, अब खरीद लें तो अब आप लेट हो गए, क्योंकि 150 रुपए का जो टारगेट था वो डन हो गया है। टेक्निकल चार्ट पे एग्जैक्टली 150 रुपए का चार्ट लेवल्स आ रहे थे। 5 साल में इस स्टॉक ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं करा है। ऊपर में 5 साल पहले 250 रुपए का हाई दिखा के स्टॉक ने लगाया लो कोविड के समय पे 60 रुपए का। रिकवरी हुई और रिकवरी में 160 के हाई लगे, फिर गिरावट होते होते 86 रुपीज तक आया था ये स्टॉक अभी आपके लिए 2023 के फरवरी में। वहां से रिकवरी चल रही थी और रिसेंटली 2 महीने पहले एक ब्रेकआउट आया 95 से सीधे 112 का। वहां से आप अगर आप राउंडिंग चार्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि 146.50 के लेवल्स निकल के आ रहे थे जो मैंने आपके साथ शेयर करा। हालांकि अगर आप 10 साल का चार्ट खोलेंगे तो 300 रुपए का हाई है और अभी डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखेगी आपको ऑलमोस्ट, और ये तेजी और बन सकती है जहां पे स्टॉक में 200 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। बट इन लेवल्स पे खरीदना सही नहीं है। मान के चलो हम रिस्क लेकर 200 रुपए के लिए खरीद भी ले 150 रुपए पे, तो भैया हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है? स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा, तो रिस्क इतनी लेना सही नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं अभी आपसे कहूंगा इन लेवल्स पे खरीदारी की राय नहीं है और बॉटम पे भी खरीदने की कोई राय नहीं है। लेकिन जिनके पास है वो अभी भी होल्ड करें। स्टॉप लॉस होगा 133 रुपए का। 133 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक। अगर ऊपर भागा तो 160-165 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। अब आता हूं इस कंपनी के नंबर्स पे, जरा नंबर्स पे नजर डालिए, क्या शानदार नंबर कंपनी ने पेश करे। कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट आपका 30 लाख से बढ़कर सीधे 12.3 करोड़ के समथिंग का आया। एग्जैक्ट लेवल्स पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मुझे उसके लिए 1 मिनट का समय चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ उसके कंपनी के लास्ट क्वार्टर के जो प्रॉफिट था वो आपका स्टैंड अलोन बेसिस पे था 30 लाख का, जिसके सामने 12.8 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा, यानी 12.80 करोड़ का। बहुत ही शानदार नंबर है ये, मतलब एक्सेप्शनल जंप हो गया है। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल रहा है आपको। तो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट्स कुछ कह रहे हैं अपने आप में और इसी के दम पे स्टॉक भाग रहा है। अभी आपके साथ रेवेन्यू शेयर करूं तो 320 करोड़ से घटकर 290 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो रेवेन्यू घटा है, मे बी कुछ एक्सेप्शनल आइटम होगा। कामकाजी मुनाफा 3.2 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ का आया है, तो ये भी शानदार दिख रहा है आपको। और अगर मार्जिन देखेंगे तो वो डबल हो गए हैं, 1% से बढ़कर 2.5% हो गए। रिसेंटली 4 अगस्त को कंपनी का 4.5 रुपए का डिविडेंड भी निकला है। तो ये जो कंपनी की सुधार हो रही है ना, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, डिविडेंड आ रहा है, निवेशकों का रिटर्न बनना है, डिविडेंड के रूप में पैसा मिल रहा है और मजा आ रहा है। 4.5 रुपए का डिविडेंड छोटा नहीं होता है 100 रुपए के स्टॉक के लिए, अब तो 150 का हो गया। देखिए, एक चीज दोबारा से क्लियर कर बोल रहा हूँ, फ्रेश मत खरीदना, ये लेवल सही नहीं है खरीदने के लिए, ट्रैपिंग हो सकती है। लेकिन जिनके पास है उन्हें अभी बेचना भी नहीं चाहिए। 133 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 133 ब्रेक करेगा तो बेच देना, अदरवाइज होल्ड करो। आज भी स्टॉक में वॉल्यूम्स 13 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है। स्टॉक ने आज हाई 153 रुपीज का लगाया है रिजल्ट्स के बाद, और अभी तो गिर भी गया है 143 पे आ गया है। तो रिजल्ट्स आते ही शेयर भागा और अब फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे जैसे बाजार को नंबर्स में कुछ कमियां दिख रही है, वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं 30 लाख से प्रॉफिट 12 करोड़ का हो रहा है आपका। वही कामकाजी मुनाफा कुछ नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू कुछ नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू तो घट और गया, तो फिर ये प्रॉफिट कैसे बढ़ा है? मे बी एक्सेप्शनल आइटम आ रहे हैं कुछ, या कुछ अदर इनकम आ रही है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। बट ओवरऑल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे नहीं लेना है और फ्रेश बेचना नहीं है, ये आपके साथ शेयर कर दिया। यानी कि अगर नहीं है तो मेरे पास नहीं है, बस सिंपल, मैं कुछ नहीं करूंगा, और मेरे पास है तो मैं होल्ड करूंगा अभी थोड़ा सा। बाकी बहुत सारे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और नेगेटिव रिएक्शन ज्यादा आ रहा है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 2% नीचे, एल्कम लेबोरेटरीज 2% नीचे, फैक्ट 4.5% नीचे, इंगर सोलरेंट अभी नंबर पेश करें, कुछ खास रिएक्शन नहीं आता वो दिखाए। ग्रेफाइट फ्लैट दिख रहा है आपके लिए नंबर्स के बाद। स्टारनेक्स परफॉर्मेंस तो 8% टूट गया है,
प्रिसीजन वायर 2% टूट गया, अरविंद फैशन 2% टूट गया है, 3M इंडिया 3.5% ऊपर है, इक्का लैब 1% नीचे, बजाज इलेक्ट्रिकल 2% नीचे, जेटी की एटी इंडिया 8.5% टूट गया अपने नंबर्स के बाद, अंबिका कॉटन 1.5% नीचे, टीवीएस श्रीचक्र में 1% की तेजी है, ग्रीव्स कॉटन 3.5% नीचे, कोपरान 6% नीचे, लिंकन फार्मा 8% ऊपर है, शानदार नंबर्स आए हैं आई थिंक, कार्ट्रेड 2% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी रिसेंटली नंबर्स देते हुए दिखे और नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। बाकी अगर आप किसी स्टॉक के पर्टिकुलर रिजल्ट्स जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।